फिल्म भेड़िया की बात करें तो वरुण धवन और कृति सैनन पहुंचे हुए हैं अरुणाचल प्रदेश, और दिनेश विजयन का क्या कहना है इस फिल्म को लेके, आइए बताऊं मैं आपको। हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं गूगल बॉलीवुड। दोस्तों फिल्म भेड़िया की बात करें तो दिनेश विजयन इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिन्होंने रूही और स्त्री बनाई है, और इस फिल्म का जॉनरा भी सेम ही है, हॉरर कॉमेडी। अगर हम बात करें इस फिल्म की डायरेक्शन की तो अमर कौशिक इस फिल्म को बनाएंगे, जिन्होंने बाला और स्त्री फिल्म को बनाया है। कास्टिंग की बात करें तो वरुण धवन और कृति सैनन हैं इस फिल्म में, और वरुण धवन तो काफी देर से अरुणाचल प्रदेश पहुंचे हुए हैं, और अगर उनके सोशल मीडिया की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वो काफी ज्यादा एक्टिव है अरुणाचल प्रदेश जाके, और वो अपडेट्स दे रहे हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं फिल्म भेड़िया के लिए। और अगर हम बात करें वरुण धवन की तो उनको चोट भी लग गई थी ट्रेनिंग के दौरान, और उन्होंने ये भी बात अपने फैंस को बताई थी। और अगर हम बात करें दिनेश विजयन की तो उनका मानना यह है कि काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है आपको इस फिल्म में, इसीलिए वरुण की इतनी ज्यादा तैयारी करवाई जा रही है। दिनेश विजयन का मानना है कि ग्लोबली हमने पूरी टीम को किया है हायर, और इस फिल्म को हम बहुत बड़े लेवल पे लेके जा रहे हैं। उनका मानना यह है कि हमने एक्शन के लिए एक्शन डायरेक्टर को हायर किया है जो साउथ अफ्रीका से है, और VFX की टीम लंदन से आएगी। तो अब देखना यही बाकी है कि अगर लंदन और साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया के लोगों के साथ जुड़ती है तो कैसी होती है ये फिल्म भेड़िया, जिसका इंतजार सबको हो रहा है। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो अगले साल यानी 14 अप्रैल 2022 को ये फिल्म हो जाएगी रिलीज, और इसमें वरुण धवन और कृति सैनन किसी नए रूप में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपकी क्या राय है फिल्म भेड़िया पे, और आप कितना कर रहे हैं इंतजार इस फिल्म का, आप अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। और बॉलीवुड के साथ यूं ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिएगा हमारा चैनल, जिसका नाम है गूगल बॉलीवुड।